पूरी तरह से हम थाल को सजा लिए हैं। चालू हो गया और इसमें अभी ना पानी देना बाकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को, जैसे कि दोस्तों आप लोग थंबनेल देख लिए हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाली है, तो दोस्तों आज गुड़िया जी जो कि पूजा करने वाले हैं कूलर का, और दोस्तों चला करके आज हम लोग देखेंगे कि कैसा मतलब चल रहा है और कैसा हवा दे रहा है। और दोस्तों आप सभी को ना बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद जो इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं और दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी को ना चलते हैं अंदर, दिखाते हैं और दोस्तों उस कूलर की अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं कूलर वाली जो हम लोग खरीदे थे, वो उस दिन के बाद दोस्तों आप सभी को दिखाया ही नहीं कि कैसा कूलर है। तो चलिए आज अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्स करके दोस्तों देखते हैं। और अभी दोस्तों जाग गए हुए थे मिठाई लाने के लिए, मिठाई तो प्रसाद में मिठाई रहे, तो चलिए अभी गुड़िया जी खोलिए ना, अभी इस कूलर को अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे टेप किया हुआ, खोलो खोलो, इसे खोल जाइए। चलिए और दोस्तों आप सभी को दिखाते हैं ऐसे में है जो कि कूलर, और इसका दोस्तों स्टैंड तो निकालिए गुड़िया जी, इसका स्टैंड तो चलिए सारे में रखिए। देखिए पानी इसमें भी थोड़ा थोड़ा लग गया है, तो खराब हो गया, गंदा टाइप पे दिख रहे हैं। और ये है दोस्तों फाइनली कूलर, तो इसको निकाला जाए। चलिए तो दोस्तों अंकित और चीटी के पापा जी निकाल रहे हैं कूलर। चीकू बहुत ज्यादा दोस्तों खुश हो गई है कूलर को देख करके, अब चीकू को ठंडा ठंडा हवा लाएंगे, है ना चीकू। तो चलिए दोस्तों अभी इसे साइड में रखते हैं और इसे दोस्तों सेट करना पड़ेगा, सेट करके और उसके बाद पूजा करेंगे और उसके बाद दोस्तों चालू करेंगे। तो चलिए अभी फटाफट से इसे और खोलते हैं, क्योंकि प्लास्टिक लगा हुआ है दोस्तों, ये सब खोलना पड़ेगा। और ऐसा है हमारा कूलर फाइनली, आप लोग देख सकते हैं। क्या चीको इसमें कूदेगा तुम कूदेगी, कूद जाओ। चीकू को ही बोलते हैं प्लास्टिक को फाड़ने के लिए, ये प्लास्टिक लगा हुआ है जो, और चीकू दोस्तों हम लोग के लिए बहुत ज्यादा लकी है, जब से मतलब सही दोस्तों बोले जाते हैं कि बेटी जो कि लक्ष्मी होती है घर की, और मतलब क्या ही बताएं, चीकू बहुत ज्यादा हम लोग के लिए लकी है। और अभी देखिए यहाँ पे खोल रहे हैं कूलर को, और दोस्तों पसीना इतना चल रहा है ना कि क्या ही बताऊं, और ये लग जाएगा तो शायद नहीं चले, हम लोग का यही उम्मीद है। अच्छे से खोलिए और इसका स्टैंड भी फिट करना पड़ेगा, देखते हैं कभी फिट नहीं किया बट कोशिश करेंगे। इसमें देखिए पैर का, इसमें दोस्तों यूज मेन्यू है कैसे आपको यूज करना है, और पेपर है दोस्तों पूरी तरह से। दोस्तों गुड़िया जी कूलर में का जो प्लास्टिक लगा हुआ था वो निकाल दिए हैं, और इसका लुक देख लीजिए दोस्तों आप लोग एक बार, कैसा लुक है ये देख लीजिए। और हमें यूज करने नहीं आता, आगे से यहाँ पर देखिए इसमें पानी जाएगा, इसमें पानी, हाँ इसमें तो अंदर में जाएगा, उसके बाद इसको चालू किया जाएगा। चलिए अभी फटाफट से सेट करते हैं। तो अनबॉक्स तो हो गया पूरी तरह से, और अभी दोस्तों इसे ना हम रखते हैं वहाँ पे। गुड़िया जी इधर पानी उनी छिटक दिए हैं, मतलब छिड़क दिए हैं, लोग छिड़कना बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं। तो अभी दोस्तों वहाँ पे सेट करते हैं, तो मैं फटाफट से दोस्तों सेट कर देता हूँ, रख देता हूँ यहाँ पे कैमरा, ताकि दोस्तों आप लोग को भी देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए अभी दोस्तों उसे कूलर को यहाँ पे रखते हैं, और गुड़िया जी टेबल पर ही रख करके पूछा करेंगे, मैं रख देता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे, और अभी गुड़िया जी पूजा करेंगे, और दोस्तों चीकू ना बहुत ज्यादा खुश है, डांस करे चीकू, हवा लाएंगे गुड़िया मत, चीकू ठंडा हवा लाएंगे, कैसे हम मतलब गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो जाते हैं, नहीं होगा आप नहीं होगा पसीना पसीना। तो दोस्तों चीकू सबसे ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। हाँ लाइट कट जाएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम रहेगा तो कूलिंग, नहीं तो रात भर में, रात में उतना नहीं लगता है लेकिन दिन में बहुत ज्यादा ना लगता है। तो चलिए पूजा करिए फटाफट से, और दोस्तों मिठाई उठाई आन करके रखते हुए थे पहले से, पूरी तरह से हम थाल को सजा लिए हैं देखिए, और ज्यादा कुछ नहीं है, बस अगरबत्ती और माचिस और कपूर
और दोस्तों सबसे बड़का चीज होती है श्रद्धा। श्रद्धा होती है ना चिकू, तुम भी खाओगे मिठाई खाने के लिए? चिकू एक्साइटेड है। तो चलिए गुड़िया जी, पूजा कीजिए, याद कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि जो हुआ है मतलब होता है प्रभु की वजह से ही होता है, सब कुछ तो उन्हीं की वजह से। हाँ, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ईश्वर के बिना। तो चलिए अभी ये भी हमारे घर में आए हैं अतिथि बन करके ये सामान, तो उम्मीद करते हैं कि ये कूलर जो कि हैं अच्छा से चलें, कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत ना दें। और क्या ही बताऊं दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा हम लोग खुश भी हैं कि आज इसे चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से गुड़िया जी पूजा कर रहे हैं, जैसा है मन में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वहाँ ये देखिए अभी आरती यहाँ पर चला देंगे। दोस्तों गुड़िया जी जो कि प्रसाद चढ़ा दे रहे हैं, और अब चढ़ाइए यहाँ पर देखिए दोस्तों पढ़ा। तो दोस्तों प्रसाद हम लोग जो कि मिल करके चढ़ा दिए, और बहुत ही सुकून मतलब मिल रहा है। और भगवान को दोस्तों हम लोग मतलब याद कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हीं की वजह से जो होता है प्रभु की वजह से होता है, ईश्वर की वजह से होता है, जो भी बोल रहे, जो इस शक्ति है जो इस पृथ्वी को चला रहे हैं, और सुख दुख का जो कि एक दिल में श्रद्धा जगाए हुए। तो आप सभी को दोस्तों दिल से धन्यवाद जो इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और दोस्तों क्या ही बोलूँ, सबसे ज़्यादा आप लोगों का योगदान रहता है, हमारा तो दोस्तों ब्लॉग बनाना काम होता है, उस पर दोस्तों आप सभी को प्यार और सपोर्ट देना काम होता है। तो थैंक यू, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दिए, अगर आप लोग प्यार सपोर्ट ना देते तो शायद लोग मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो ये सब दोस्तों आप ही सभी का प्यार है, आशीर्वाद है, जिससे वो हम लोग अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग भगवान जी को याद कर लेते हैं ऑफ कैमरा में, और उसके बाद दोस्तों आप सभी से मिलते हैं। तो अभी ना ऑफ कैमरे जो कि प्रभु जी को याद कर लिए, जो इनके वजह से जो हो पाता है, और आप सभी को भी दिल से धन्यवाद बोलेंगे। और दोस्तों अभी ना इस कूलर का थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, मतलब ट्राई कर लेते हैं चालू करके कैसा है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ऐसे ही दोस्तों हम लोग आ करके देखते हैं, अभी इसमें पानी नहीं डाले हैं, बट खोज करके देखते हैं शायद हो सके अच्छा है या खराब है, ऐसे तो अच्छा ही होगा। अब देखा जाए दोस्तों, क्योंकि पानी थोड़ा सा चला गया था, तो देखते हैं क्या होता है। गुड़िया जी कूलर का लाइन है जो कि उसमें देंगे, इसे खोल देते हैं, चार्जर को हटा देते हैं। चलिए अब दीजिए, और ऑफ है ना, पहले देख लीजिए कूलर ऑफ है ना। चलिए ऑफ है दोस्तों, और अभी इसमें पलक में खुशी। चालू हो गया ऑफ नहीं था, और अभी दोस्तों फाइनली हमारे जो कि चालू हो गया, और इसमें अभी ना पानी देना बाकी है। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी लग रहे थे इसलिए बोले कि जल्दी जल्दी चालू कीजिए, और अभी अभी अच्छा लगने लगा है दोस्तों। ये देखिए अच्छा लग रहा है, आप आइए ना इधर। चिकू कहाँ गई? चिकू खुलाइए, आइए चिकू। देखिए अब गर्मी नहीं लग रहा है जी? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे कूलर को अच्छी तरह से सेट कर दिए हैं, जो स्टैंड मिला था उसके साथ में। तो अभी गुड़िया जी उसमें पानी डाल करके सही कर देंगे, और विराट दोस्तों गर्मी से थोड़ा सा रो रहा है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए गुड़िया जी, और विराट इस सबको हवा थोड़ा खिलाइए। तो अभी दोस्तों यहाँ, हाँ उसी में डालिए, इसी में डालिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए पानी डाल दे रहे हैं अंदर, और ये कितने लीटर वाला है? शायद कितने 60 लीटर वाला है दोस्तों, 60 लीटर का पड़। लो अंकित लेकर आओ, चलो लेकर आओ अंकित, जल्दी 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 हवा खाएंगे, एक तो इतना ज्यादा गर्मी चल रहा है। पूरा फुल कर देंगे, डालिए ना, जितना होता है उतना डालिए। तो दोस्तों गुड़िया जी इसमें पानी भर रहे थे, तो हुआ क्या कि लाइट कट गए हैं, और वो लोग गर्मी से ना इस सिल्वेस्टर के नीचे रह नहीं पाए, तो वो लोग बाहर चले गए हैं। और दोस्तों हम लोग है जो कि अभी ना वेट करेंगे जब तक लाइट है जो कि आ नहीं जाएगा, और आधा घंटा से दोस्तों ज़्यादा का टाइम हो चुका है, बट अभी तक लाइट नहीं आए हैं। तब से दोस्तों हम लोग सोच रहे थे कि चलो लाइट आएंगे तो चेक करूंगा, ऐसे चेक कर दिया था,
पर पानी नहीं डाले थे और नहीं मतलब लिए थे, तो अभी दोस्तों पानी डाल भी दिए और देखते हैं कब तक लाइन आता है। तब तक दोस्तों वेट करते हैं, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, अब एक घंटा कुछ देर में होने चाहिए बट अभी तक लाइट नहीं आए हैं। तो चलिए दोस्तों लाइट आते हैं, उसके बाद दोस्तों चला करके देखेंगे और आप सभी को बताएंगे कि कैसा हवा दे रहा है। और मेरा भी हालत ख़राब हो गया, हम बाहर बैठ करके आ रहे हैं, अभी फिर जाते हैं दोस्तों बाहर ही बैठे हैं, गुड़िया जी सब बैठ रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों कूलर लिए हैं कि थोड़ा सा मतलब आराम मिले। बहुत लोग गलत कमेंट भी कर सकते हैं कि पहले ये सब, लेकिन ये भी दोस्तों ज़रूरी है, इतना ज़्यादा गर्म पड़ रहा है कि क्या ही बताऊँ। आप लोग भी शायद गर्मी में जो लोग झेलते होंगे गर्मी को, वो उनको शायद पता होगा क्या होती है गर्मी। तो लाइट कटने के बाद ना हम लोग यहाँ पे तरकोल के नीचे बैठ जाते हैं, तो अभी लाइट आए नहीं है और कूलर हम लोग चलाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पानी डाल करके कि कैसा मतलब हवा दे रहा है। बट दोस्तों कोई नहीं, अभी लाइट आ जाएंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग चेक कर लेंगे। आधा घंटा से प्लस हो गया, पता नहीं कब लेना आएगा, पूजा की लाइनें गौरी खत्म हो गई, तब तक यही हम लोग। तो दोस्तों वेट कीजिए, आप लोग भी वेट कीजिए। तो चलिए लाइट आते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। दोस्तों एक घंटा के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कि है चालू हो चुका है कूलर, और चीकू बहुत ज्यादा चालू हो गया, और दोस्तों इसमें पानी डाल दिए तो कैसा लग रहा है गुड़िया जी? बहुत ही अच्छा, अभी एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी हम लोग दोस्तों बैठे हुए थे गर्मी में पेड़ के पास, और अभी ठंडा ठंडा हवा दे रहे हैं, हम भी तो बहुत ही मस्त हवा लग रहे हैं। चीकू तो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा चीकू खुश है, और विराट उधर ठंडा बिगाड़ने में लगा हुआ है। ए विराट इधर आ जाओ, अब जा करके दोस्तों थोड़ा सा पसीना से राहत हुआ है और इतना ज्यादा हीट अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि दोस्तों वो सब है ना जो पुआल पुआल या पता नहीं क्या रहता है वो अभी तक भींगा नहीं है, तो वो भींगेगा तब जा करके थोड़ा शायद कूलिंग दे सकता है, बस उतना कूलिंग नहीं दे रहा। तो आई होप दोस्तों कि ये ब्लॉग आप सभी को अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अभी, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, और हमसे दोस्तों कोई गलती या मिस्टेक हो गया तो कृपया माफ कीजिएगा। अभी भी गर्म लग रहा क्या? चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।